तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि फरवरी 2024 में इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्कूटर बिके हैं, जो इसकी सेल्स हुई है, वो हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि लोगों ने सबसे ज्यादा कौन सा स्कूटर पसंद किया है, जिसमें से सर सबसे फर्स्ट आता है, सॉरी सबसे लास्ट में आता है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक, जिसको हमने टॉप 10 में नंबर 10 पे रखा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक वेरियंट में है ओनली। और टोटल इसकी सेल्स हुई है ऑलमोस्ट 13,620, और ये आता है 1,15,000 से 1,44,000 की एक शोरूम प्राइस पर, और इसका मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 2.85%। ये इलेक्ट्रिक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक और पेट्रोल सब कुछ एक साथ कंबाइन किया हुआ है। 9 नंबर पे आता है हमारा टीवीएस काइको, वो भी इलेक्ट्रिक है, जो उन्होंने बेचा है इस बार 15,792, और जो कि 3.3% मार्केट शेयर के साथ में है, और इसका प्राइस रेंज है ऑलमोस्ट 1,20,000 से 1,29,000। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें एक शोरूम है, ऑन रोड प्राइसेस में इंश्योरेंस और आरटीओ और अनएसेसरीज की चीजें जुड़ जाएंगी। नंबर 8 पे है हीरो का डेस्टिनी, जो उन्होंने सेल किया है 17,033, और जो कि है 3.56 मार्केट शेयर के साथ में, सॉरी 3.56% मार्केट शेयर के साथ में, और वो आता है 80,000 से 86,000 की रेंज में एक्स शोरूम प्राइस। नंबर 7 पे है सुजुकी का बर्गमैन स्टीट, जिसको उन्होंने ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास सेल किया है, वो भी 3.64% के आसपास परसेंट मार्केट से रखता है, और इसका प्राइस रेंज है 94,000 से 1,14,000। नंबर 6 पे हमने रखा है टीवीएस का एनटॉक 125, जिसको उन्होंने ऑलमोस्ट 25,000, आप देखेंगे 24,911, 25,000 के आसपास इन्होंने सेल करा है, और इसका मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 5.21%, और ये आता है 84,000 से 1,05,000 की रेंज में। और नंबर 5 पे है होंडा का डियो, जिसको उन्होंने सेल किया है 25,312 नंबर्स, और ये मार्केट शेयर आता है 5.29% के साथ, और इसका प्राइस रेंज है 70,000 से 77,000। नंबर 4 पे है ओला का इलेक्ट्रिक S1, बहुत ही फेमस स्कूटर है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, और इसको इन्होंने फरवरी फरवरी में बेच दिया भैया 33,846, मतलब ऑलमोस्ट 34,000 के आसपास। ये कैप्चर करता है ऑलमोस्ट 7% का मार्केट शेयर, और आता है 69,999, 70,000 से 1,00,000 के आसपास। इसके बाद में आता है सुजुकी का XS125, आई थिंक इसमें 110 भी होगा, इन्होंने बेचा हुआ है 56,773, और ये आता है ऑलमोस्ट 12% मार्केट शेयर के साथ में, और इसका प्राइस रेंज है 80,000 से 90,000 के आसपास। नंबर 2 पे बरकरार है टीवीएस का जुपिटर 110 सीसी, इन्होंने सेल किया है 213,860, और ये मार्केट से रखते हैं ऑलमोस्ट 15.5% के आसपास, और इसका जो रेंज है एक्स शोरूम वो 73,340 से 89,748, बोले तो 75,000 से 90,000 के बीच में एक शोरूम है, इसके ऊपर इंश्योरेंस आरटीओ अलग से। और जो टॉप परफॉर्मर रहा है हमारा हमेशा से होंडा एक्टिवा 110 और 125 सीसी वेरियंट में आता है, 2 लाख के आसपास गाड़ी उन्होंने केवल 1 महीने में बेची, केवल डोमेस्टिक फिगर से इंडिया के, और 40 से 42% का मार्केट से रखते हैं दोस्तों, और ये आता है 76,000 से 82,000 के आसपास में। थैंक यू। तो ऐसा ये था पूरा हमारा फेब्रुअरी का डेटा, मार्च का डेटा मैं लेके आता हूँ एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।